आपकी जिंदगी में हमारी जगह है या नहीं? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं सिकंदर, आपकी जिंदगी में हमारी जगह है या नहीं, या सिर्फ आप फारिया से ही मोहब्बत करते हैं? जब एक बार बात हो गई है हमारे दरमियान और होके खत्म हो चुकी है, तो आप दोबारा क्यों शुरू करेंगे? बात खत्म ही तो नहीं हुई। अगर बात खत्म हो जाती तो हमें सुकून आ जाता। हर वक्त ये डर नहीं लगा रहता कि हमारा किसी भी लम्हे घर टूट सकता है। किस तरह की फजूल बातें कर रही हैं आप? खुदा का वास्ता है, आप कौन तोड़ा है आपका घर? आप अच्छी तरह से जानते हैं वो खुद अपनी मर्जी से आपको छोड़ के गई थी, और अब मजलूम बनकर आपकी आपकी हमदर्दी समेट रही है। क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? आप आज फारिया से मिलने गए थे। बोले सिकंदर, क्या ये सच है या नहीं? आप फारिया से मिलने गए थे या नहीं? उसे एक जरूरी काम था, वो थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आई थी, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं अपने किसी भी अमल का आपको जवाब दे नहीं हूं। जब घर आता हूं आपके सवालों जवाब शुरू हो जाते हैं, एक लम्हा भी सुकून मुयस्सर नहीं होता। आपको लगी ना, बताइए, हमें भी लगी थी जब आपने हम पर इल्जाम लगाया था। हालांकि उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, मगर आपने हमारी बात का यकीन नहीं किया था। तब कहां गई थी आपके खानदान की इज्जत? नहीं रहना चाहते आप हमारे साथ? शायद एक बात बताऊं दिलावेश, ये जो दिल होता है ना, इस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, अपनी मर्जी का मालिक होता है। एक बार किसी पे आ गया तो आ गया। और उठ गया तो उठ गया। सही कहा आपने, दिल पे किसी का इख्तियार नहीं होता। मत जबर करें अपने दिल पे। तलाक देना चाहते हैं आप? दे दें।